लोगों ने बहुत उम्मीदों और विश्वास के साथ आपको चुना, एक बदलाव के लिए, एक विकास के लिए, पढ़े लिखे युवाओं के लिए, रोजगार के लिए क्या आपने प्रयास किए? शहर के अंदर की सड़कों का हाल ज्यों का त्यों रहता है। तब से ही राज मिलता है, देखा जाए तो भगवान राम को भी ने भी राजनीति की। आपके परम मित्र राजू लखीना जी, शुरुआत से ही आप दोनों हर परिस्थिति में एक साथ रहे। लिखने वाले ने क्या खूब लिखा है, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल करके समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। नमस्कार, मैं हूं कुमार गगन और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका गगन मीडिया के इस कार्यक्रम में जिसका नाम है व्यक्ति विशेष। दोस्तों, आज की खास मुलाकात मैं एक ऐसी शख्सियत से करवाने जा रहा हूं जो कि किसी परिचय की मोहताज नहीं है, वह जीन की पहचान है, आप सबके चहेते मेहनती लगनशील आदरणीय विधायक डॉक्टर कृष्ण मिठा जी। विधायक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम व्यक्ति विशेष में। जय माता की। सबसे पहले तो मैं आपका भी आभार व्यक्त करता हूँ और गगन मीडिया जो नया आपने शुरुआत की है इसके लिए भी आपको बधाई देता हूँ। विधायक जी, इसमें किसी तरह का कोई संशय नहीं है कि आपका पूरा परिवार और आप पूरी तरह से धार्मिक रहे हैं, धार्मिक प्रवृत्ति के रहे हैं और समाज सेवा में भी एक आपका एक अहम रोल रहा है और स्वर्गीय बाबू जी का व्यक्तित्व तो एक फरिश्ते की तरह था। तो ऐसे में आपके मन में या आपके परिवार के मन में राजनीति में आने का विचार कैसे बना? देखिए, मेरा मानना है कि जैसे आपने कहा कि आध्यात्मिक परिवार होने के बाद आप राजनीति में किस प्रकार से आए, मैं ये कहूँगा कि धर्म से ही राजनीति निकलती है। और ये कह सकता हूँ कि माने चौटाला साहब डॉक्टर साहब से, विधायक जी से मिले, मिड्डा साहब से, तो उनकी मुलाकात करने के बाद विचार बना कि आपको चुनाव लड़ाया जाएगा। लेकिन जब तक चुनाव नहीं लड़ाया गया था तो हमारे मन में किसी प्रकार का ऐसा नहीं था कि हमें चुनाव लड़ना पड़ेगा। लेकिन माननीय ओम प्रकाश चौटाला जी ने विधायक स्वर्गीय डॉक्टर हरिचंद मिड्डा जी को टिकट देने का काम किया और उन्होंने जीतने का काम किया। और जैसे मैंने आपसे कहा कि धर्म से ही राजनीति निकलती है, ये तो शास्त्रों में भी लिखा और सब जगह की। और ये कब किसी ने कहा कि जो धार्मिक व्यक्ति हो या आध्यात्मिक व्यक्ति हो या समाज सेवी हो कि वो राजनीति में नहीं आ सकता? ऐसे लोगों को भी राजनीति में आने का अधिकार है। जो समाज सेवा करते हैं या आध्यात्मिक रहते हैं तो उनको भी राजनीति में आना चाहिए। देखा जाए तो भगवान राम को भी ने भी राजनीति की। क्योंकि मेरा मानना है कि जो राजनीति का विषय है ये पिछले जन्मों का प्रारब्ध होता है, तब से ही राज मिलता है। शास्त्रों में भी लिखा है, आप जब भी कभी पढ़ेंगे, कि तब से ही राज मिलता है। चाहे वो राजकोष का पैसा, मेरा मानना है आध्यात्मिकता के अनुसार राजकोष का पैसा उस व्यक्ति को मिलेगा जिसने तप किया होगा। चाहे वो राजकोष से किसी मास्टर को मिलता हो या किसी सेना में रहने वाले व्यक्ति को मिलता, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो जॉब कर रहा है जिसको राजकोष से पैसा मिल रहा है उसको आप यही कहोगे कि उसका किया हुआ तप है, तप की वजह से उसे राज करने को मिलता है। जहाँ भी हम जीन का नाम लेते हैं तो एक बैकवर्ड का नाम लिया जाता है। लोगों ने बहुत उम्मीदों और विश्वास के साथ आपको चुना, एक बदलाव के लिए, एक विकास के लिए, तो युवाओं के लिए, पढ़े लिखे युवाओं के लिए, रोजगार के लिए क्या आपने प्रयास किए? देखिए, जहाँ तक आपने ये कहा कि विकास के कार्य को लेके और जींद को अपने बैकवर्ड कहने का काम किया, आज जींद से 8-8 नेशनल हाईवे गुजरने का काम कर रहे हैं। आज जींद ना तो कोई बैकवर्ड की स्थिति में रहा है ना कोई रैलीगढ़ की स्थिति में रहा है। आज आप देख सकते हैं कि मैं तो बल्कि माननीय नितिन गडकरी साहब का एक बार कोई इंटरव्यू आ रहा था तो उन्होंने कहा कि हरियाणा में कोई डिस्ट्रिक्ट है, वो नाम भूल गए, तो किसी ने पीछे से बताया जींद डिस्ट्रिक्ट है जिसको 8 नेशनल हाईवे से जोड़ा गया। मेरे ख्याल से कभी पूरे हिंदुस्तान में ही एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट हो जिसे 8-8 नेशनल हाईवे जाने का काम कर रहे हैं। और बात रही बेरोजगारी की, देखिए सरकार अपनी तरफ से पूर्ण रूप से प्रयास कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी निरंतर प्रयास करें, अभी पीछे भी कुछ नौकरियाँ निकालने का काम किया और कौशल विकास जो ये योजना पोर्टल चलाया
इसमें आप देख सकते हैं कि सरकार जितनी भी नौकरियां दे रही है, माननीय मुख्यमंत्री जितनी भी नौकरियां देने का काम कर रहे हैं, पारदर्शिता के आधार पर काम कर रहे हैं, जो सबसे बड़ी, मैं कहूंगा कि सबसे बड़ी बात है माननीय मुख्यमंत्री जी की। और अभी कुछ आने वाले समय में भी आप देखेंगे करीबन करीबन मेरे अनुमान से 40 से 50 हज़ार के बीच में और जॉब्स निकलेंगे, जिससे प्रत्येक बच्चे को फायदा होगा। और सरकारें प्रयास करती हैं, कोई भी नहीं है, प्रयास करती है। जितनी माननीय 10 साल में कांग्रेस के समय में जितनी नौकरी मिली, उससे तो आज 7 साल में उससे ज़्यादा नौकरियां देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और जैसे कि आपने विकास की बात की, तो आप जींद को पुराने आज से 5-7 साल पीछे चले जाइए, तब से आप जींद को देखिए और आज जींद को देखिए, जींद में पूर्ण रूप से बदलाव है। और करोड़ों रुपए की राशि से काम चल रहे हैं, आप चाहे वो सड़कों का स्थिति हो या वो शहर में सौंदर्यकरण की स्थिति हो, उसको आप देख सकते हैं। अभी हाल ही में कली जनता देवी के लिए, मंदिर के लिए भी चंडीगढ़ से टीम को बुलाया गया था, और मुझे उम्मीद है कि जल्दी भी जनता देवी मंदिर की भी खूबसूरती बढ़ाई जाएगी। और अगर बात करें, आप देख सकते हैं कि शहर में बड़े चौक बन चुके, सफाई के मामले में पहले से स्थिति अच्छी है। पब्लिक हेल्थ की जो सीवरेज व्यवस्था है, उसको भी आप देख सकते हैं कि पहले से बेहतर है, क्योंकि जेटिंग मशीन वगैरह आ चुकी है जींद में। और सुपर शकर मशीन के लिए मैंने प्रयास किया, लेकिन उसके सुप्रीम कोर्ट को लेके कुछ दिक्कत है कि किसी भी व्यक्ति की सीवरेज में कोई डेथ हो जाती है इस प्रकार से नीचे जाने में, तो दिक्कत है। तो इसमें ये फैसला लिया गया कि आपको एक सुपर शकर ना देके जब भी आपको चाहे वो रेंट पे सुपर शकर मशीन मिल जाएगी। उस पर फिर जिस भी व्यक्ति की होती है सुपर शकर मशीन, पूरी की पूरी टीम उस पर काम करती है। अभी हाल ही में एक इलेक्ट्रॉनिक्स टाइप के सीवरेज को साफ करने का एक लगभग 3.5 करोड़ रुपए के आसपास का मंजूरी मिली है, जिसमें कैमरे के साथ जो मेन लाइंस हैं उनको साफ किया जाएगा। वो दिल्ली से या बड़ी बड़ी कंपनी ही उसको सफाई कर सकती है, जिसमें कैमरा लगेगा कि आपने इतना किलोमीटर या इतने जो सीवरेज की सफाई की है, लाइन की सफाई की, वो सारा कैमरे में रिकॉर्ड रहेगा। उसके बाद ही उसकी स्थिति को आप जायजा ले सकते हैं। और आप देख रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि विकास की जहां तक बात कर रहे हैं, तो 750 करोड़ रुपए की लागत से आज मेडिकल कॉलेज बनने को तैयार है, जो 2023 लास्ट या 24 स्टार्टिंग में तैयार हो जाएगा। अगर हम पीछे जाएं तो रोहतक को मेडिकल कॉलेज के नाम से ही जाना जाता था। और अगर हम बात करें, भाखड़ा के पानी को लाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है, जमीन खरीदी जा चुकी है, जो लगभग 450 करोड़ रुपए की लागत से भाखड़ा का पानी जींद में आएगा। और कुछ चौकों का निर्माण हुआ है, और अभी कुछ पार्कों का सौंदर्यकरण बढ़ाया जा रहा है। उसमें भी लोग भी थोड़ा सा कहते हैं, अगर किसी पार्क को बना दिया गया तो उसके बाद मेंटेनेंस लोगों को भी करनी चाहिए। सीवरेज रुकता है तो उसमें भी कहीं ना कहीं हम दोषी हैं, उसके अंदर में पॉलीथीन है, कचरा है, बोटल्स हैं, ये सब निकलती हैं, तो थोड़ा बहुत हम लोगों का भी फर्ज बनता है, क्योंकि हम लोग भी इस देश के नागरिक हैं। और आपका एक सवाल यह था कि स्वास्थ्य को लेकर, स्वास्थ्य की अगर बात करें तो आपके सामने अभी 1200 कुछ नौकरियाँ बच्चों को मिली हैं, जो पूरे हरियाणा में उनको दिया गया है, वो डॉक्टर्स को पूरे हरियाणा के हॉस्पिटल्स में लगाया गया। पहले से बेहतर है, अब बच्चे पास आउट उतने नहीं हो पाते जितनी आवश्यकता है, फिर बहुत से बच्चे सरकारी जॉब में ना जाके अपना प्राइवेट खोलने का काम करते, क्लिनिक्स वगैरह चलाने का काम करते, अपना प्राइवेट हॉस्पिटल चलाने का काम करते। इसी के तहत ही सरकार ने ये पॉलिसी बनाई है कि आप जब हम आपको बहुत कम फीस पे आपको डॉक्टर बनाया जाता है सरकार की तरफ से, तो आप कम से कम 5 साल का समय सरकार को देने का काम करें। कि बहुत से सरकारी स्कूल ऐसे थे जहां पर स्टूडेंट मात्र 20-20 स्टूडेंट थे और टीचर 3-3 थे, इसको लेके भी सरकार ने एक पॉलिसी बनाई है, जिसके तहत कि सभी ब्यौरा लिया गया, उस ब्यौरे के अनुसार ही बच्चों को शिक्षा दी जाएगी। कुछ स्कूल्स को बंद भी किया जाएगा, जहाँ बच्चे 5 हैं, टीचर 2 हैं या बच्चे 5 हैं, उनको शिफ्टिंग की जाएगी। और आप देख रहे हैं सरकार का पूरा एक प्रयास है कि एक अच्छी भावना के साथ संस्कृत मॉडल को स्कूल बनाए जा रहे हैं, ताकि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। जो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं कम फीस पे, उन्हें एक अच्छे स्कूल जैसी शिक्षा मिले, जो प्राइवेट स्कूल जैसे पढ़ाते हैं तो वैसी शिक्षा मिले, ऐसा सरकार का एक सोच है माननीय मुख्यमंत्री जी की, शिक्षा मंत्री जी की सोच है। और स्वास्थ्य के बारे में तो मैंने आपको बताया भी है कि ये बहुत बड़ी बात है। आप देख सकते हैं कि माननीय विद साहब ने जिस प्रकार से स्वास्थ्य पे काम किया है, वो आपके सामने है। कोरोना जैसी बीमारी, मैं ये तो नहीं कहता कि
भाई उसने परेशान, उस बीमारी से हम परेशान नहीं हुए, आहत नहीं हुए, लेकिन उस बीमारी पे काबू समूचे देश में पाया गया, काबू किया गया उसको। आज आप देख सकते हैं कि और देशों की बिनपत हम लोगों का जो ये कहते हैं कि मौत की रेशो बहुत कम रही है। कई बार ऐसा देखा गया है कि जब आप अधिकारियों से वार्ता करते हैं, उनकी मीटिंग लेते हैं, तो आपकी उनके साथ तनातनी भी रहती है और उन्हें चेतावनी भी देते हैं कि ये काम को सुधार लिया जाए। उसके बावजूद भी शहर के अंदर की सड़कों का हाल ज्यों का त्यों रहता है। देख लीजिए, जैसे कि सफेदों रोड का की बात करें, उसके बीच के डिवाइडर की बात करें, या स्ट्रीट लाइट की बात करें, या रजवाया रोड पर मिनी बाईपास की बात करें, स्ट्रीट लाइट या तो जगती नहीं है, अगर जगती है तो आँख में चोली का खेल खेलती हैं। तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? अगर हम स्ट्रीट लाइट की बात करें तो आपके सामने किस प्रकार से स्ट्रीट लाइट पहले से बेहतर है, और दूसरा जो आप कह रहे हैं कि अधिकारियों के साथ तनातनी की बात है, जींद मेरा है और मैं जींद का हूँ, एक प्रयास है उसके लिए। अगर कोई अधिकारी काम नहीं करता तो उसको कहना भी पड़ता और कहना चाहिए भी, क्योंकि मेरे पिता की कर्म भूमि रही है जींद और मेरी जन्मभूमि जींद रही है। तो आप ये मान के चलिए कि इतना अधिकार तो बनता है, और जो अधिकारी काम करते हैं उनके तो हम कभी कुछ नहीं कहते। और सड़कों का जो आपने कहा, बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। भिवानी रोड का काम ये कह सकता कि फरवरी के स्टार्टिंग में स्टार्ट हो जाएगा, और आपका जो ये रानी तलाब वाली रोड है, इन सबके टेंडर हो चुके हैं। जो चौधरी देवीलाल चौक तक जाएगा उसका टेंडर हो चुका है, और आपका लक्ष्य के सामने जो अर्बन स्टेट सेक्टरों में लगभग 2 से 2.5 करोड़ रुपए की राशि के काम होंगे, कुछ सड़कें और ब्लॉक, पूरा का पूरा ब्लॉक बनेगा। और आप ये देख सकते हैं लक्ष्य के सामने वाली पार्किंग है, दिल्ली हॉस्पिटल के सामने वाली रोड है, उधर वो और हॉस्पिटल जो नए बने हैं, मैक्स वगैरह ये सब हॉस्पिटल जो बने हैं, वहाँ पे रोडों को बनाया जा रहा है, मतलब जल्दी उन पे भी काम शुरू हो जाएगा। इस प्रकार से काम चल रहा है, हम इसको इग्नोर नहीं कर रहे। एसपी की कोठी के सामने वाली जो रोड जा रही है, आप देख रहे हैं कि उसमें सीवरेज लाइन डल चुकी है, और करीबन 80 लाख का टेंडर भी उस सड़क का जल्दी ही टेंडर हो जाएगा, वो भी बन जाएगी। और आपका रानी तलाब वाली रोड मैंने बता दी। इसी प्रकार से ये हमारे पास में निरंकारी भवन वाली जो रोड है, इस रोड एक ये रोड है और अपोलो रोड तक जो जाएगी, इसी प्रकार से 2-3 रोडें ऐसी हैं जिनको ट्रांसफ़र किया जा रहा है, जो कमेटी के पास थी, नगर परिषद के पास थी, उनको ट्रांसफ़र B&R में करवा के और उन रोडों को बनाया जाएगा, जो यहाँ से चल कर निरंकारी भवन से चल के अमरेडी रोड से और राजा की कोठी से होते हुए अपोलो रोड आपका जंक्शन वाली सड़क पर जाकर मिलेगी। तो काम हो जाएंगे, समय थोड़ा सा लगता है, लेकिन पहले से स्थिति बहुत अच्छी है। बाहर की रोड आप देख रहे हैं कि बस स्टैंड बाहर जा चुका है, और बाहर की रोडें हैं कितने हाईवे कितने अच्छे लगते हैं, ऐसा जींद वालों ने कभी सोचा भी नहीं था, मलाईदार जैसी सड़कें मिलेंगी। और शहर के अंदर भी सड़कें बनने जा रही हैं जल्दी, मेरा मानना कुछ सड़कें तो इसलिए रुक गई कि तारकोल की सड़क बननी है, ब्लैक टॉप बननी है, और उसका टेम्परेचर का मामला रहता है, तो मार्च में टेम्परेचर कुछ अनुकूल हो जाएगा और तब उस रोड बननी स्टार्ट हो जाएगी। अस्थायी रूट पर जैसे नंदीशाला का यहाँ पर बनना हुआ, स्थायी रूप से भी नंदीशाला बन चुकी है, इतना समय हो चुका है यहाँ पर नंदीशाला है, क्या इस जगह पर कम्युनिटी हॉल का निर्माण नहीं किया जा सकता, जिससे कि लोगों को और सुविधा मिले? शहर के बीचों बीच की ये जगह है। इस बारे में तो मैं आपको क्या कहूँगा, लेकिन ये मेरे पिताजी का ही प्रश्न था 2014 में माननीय मुख्यमंत्री से कि हमें कम्युनिटी सेंटर चाहिए, और इस जगह को प्रस्ताव में मेरे पिताजी ने ही रखने का काम किया था, और उसके बाद में सरकार ने इसको अस्थायी नंदीशाला बनाया। लेकिन इसके ऊपर अब कार्य चल रहा है, कुछ जमीन ली जाएगी जिस पर यह नंदीशाला भी रहेगी और कम्युनिटी सेंटर भी। लगभग ये 12 एकड़ के आसपास की जमीन है, 12 या 14 के बीच में जमीन है, तो इसमें लगभग 4-5 एकड़ कम्युनिटी सेंटर और हर्बल पार्क टाइप में कुछ बनाने के लिए प्रस्तावित है। और ये मेरा प्रश्न भी 2 बार लग चुका है विधानसभा में, तो मुझे उम्मीद है कि यह कम्युनिटी सेंटर और पार्क बनेगी और नंदीशाला भी रहेगी। तो क्या इसी स्थान पर कम्युनिटी हॉल बनेगा या नहीं? इसी स्थान पर ही कम्युनिटी हॉल बनेगा, क्योंकि ये नंदीशाला से पहले का विषय उठ चुका है। नंदीशाला तो बाद में बनी है, लेकिन मेरे पिताजी प्रमिनेंट डॉक्टर हरिचंद मिड्डा जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी से पहले ही सेशन में इसे मनाने का काम किया था, और आपका अस्थायी नंदीशाला तो बाद में बनी है। आपके परम मित्र राजू लखीना जी, शुरुआत से ही आप दोनों हर परिस्थिति में एक साथ रहे हैं, बाबूजी के समय में भी,
पहली बार विधायक बने तब तक भी वो आपके साथ थे, जब आप दूसरी बार विधायक बने तब तक भी आपके साथ थे, तो एकाएक ऐसा क्या हुआ कि वो आपसे विमुख हो गए और उन्होंने अपना रास्ता अलग से चुन लिया? राजू मेरे बड़े भाई हैं और कभी कभी ये कह सकते हो, क्या पता क्या मन में सोच विचार आया होगा, कभी कभी आगे बढ़ने की चाह इंसान को ऐसे ले जाती है, और भाई भाई में भी कभी कभी होती आई बात, ऐसी कोई विषय नहीं है, लेकिन मैं उनका पूरा मान और सम्मान करता हूँ चाहे कैसी भी स्थिति हो, क्योंकि हम लोग एक साथ तो रहेंगे। और राजनीति एक अलग विषय, हर व्यक्ति को अधिकार है अपनी राजनीति करने का, अपने अपना कोई भी कार्य करने का, हर व्यक्ति को अपना अधिकार है। इस बात के लिए मुझे नहीं लगता कि हमारे आपसे कोई मनमुटाव है। क्या आपने उन्हें मनाने का कोई प्रयास नहीं किया? आपके पारिवारिक संबंध भी उनके साथ बहुत अच्छे हैं। देखिए कई चीज़ें ऐसी हैं जो सब हुई हैं या नहीं हुई, वो सब हमारे अपना पारिवारिक मैटर है, उसमें हम लोग ना ही जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। कार्यक्रम का नाम व्यक्ति विशेष हो और आपका इंटरव्यू ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। आपने मेरे कार्यक्रम में आकर के मेरी कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं गगन मीडिया का एक बार पुनः बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और माँ भगवती से प्रार्थना करता हूँ कि गगन मीडिया जो ये चैनल है दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे। ऐसी मैं माँ भगवती से प्रार्थना करता हूँ और सभी नगरवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और उनको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जल्दी ही जींद की सूरत और बदलते देखेंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यूनिवर्सिटी में भी किस प्रकार से 100 करोड़ रुपए की लागत से जींद में यूनिवर्सिटी बन रही है। कभी जाकर देखिए, आपको अलग ही नज़ारा लगेगा, आप विश्वास ही नहीं कर पाएंगे कि आप जींद में हैं या आप कुरुक्षेत्र ऐसी यूनिवर्सिटी में। तो एक बार पुनः मैं सभी आपका भी चैनल के माध्यम से आपका जहाँ आभार व्यक्त करता हूँ, वहाँ जींद की सभी पब्लिक को अपनी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। माँ भगवती से प्रार्थना करता हूँ कि मेरा जींद दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे और सबके घरों में सुख शांति बनी रहे, समृद्धि बनी रहे, ऐसी माँ भगवती से प्रार्थना करता हूँ। जय माता दी।